अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राई फिश, बहुत ही मज़ेदार सी और चटपटी सी। यहाँ पे मैंने एक बड़ी फिश ली थी, उसके मैंने इस तरह से 6 पीस कर लिए थे। इस तरह से मैंने पीस बना लिए हैं और 6 पीस बन गए थे एक फिश में। ये मैंने काट के रख लिए हैं। अब इसके मसाले की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है, इसमें मैं डालूंगी बेसन। यहाँ पे मैंने भुना हुआ बेसन लिया है, 2 टेबल स्पून है ये बेसन, ये मैं इसमें डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये भी 2 टेबल स्पून है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने दही लिया है, ये भी 2 टेबल स्पून है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। और यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन ये 1 टेबल स्पून है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने फ्रेश लेमन का जूस निकाला है, तकरीबन ये 1.5 टेबल स्पून है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब यहाँ पे मैं ये मसाला लिया है, मैंने फ्राई फिश का मैंने ये मसाला लिया है, डबल पैकेट है ये, लेकिन मैं इसमें ये सिंगल पैकेट एक पूरा डाल दूंगी ये मसाले का, ये मैं इसमें पूरा मसाला इसमें डाल दूंगी। मिर्ची अगर कम ज्यादा कर सकते हैं, मिर्ची अगर ज्यादा पसंद है तो और ऐड कर सकते हैं मसाला। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी सबको, बहुत अच्छी तरीके से इन सबको मिक्स करना है, कोई लम्स ना रहे इसमें। ये देखिए हमारा सारा मसाला मिक्स हो चुका है अच्छी तरीके से। अब मैं इसको फिश पे लगाऊंगी। अब मसाले को मैं हाथ की मदद से एक एक फिश का पीस लूंगी और इसमें हाथ की मदद से लगाऊंगी अच्छी तरीके से। इस तरह से यहाँ पे रख के मैं इसको अच्छी तरीके से मसाला लगा दूंगी खूब इसके। ये देखिए अच्छी तरीके से इसमें मसाला लग चुका है पूरी फिश पे। मैं अब और पे लगा दूंगी पीसेस पे। ये देखिए मैंने सारे पीसेस पे अच्छी तरीके से मसाला लगा दिया है। अब मैं इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं रख दूंगी इसको बंद करके फ्रिज में, फिर उसके बाद मैं इसको फ्राई करूंगी। ये देखिए यहाँ पे 1.5 घंटा हो चुका है। अब मैं एक एक पीस को उठा के तेल में फ्राई करूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने डीप फ्राई करने के लिए मैंने तेल ले लिया था काफी सारा, तो यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी एक एक पीस उठा के आराम से। देखिए इस तरह से ये मसाला अच्छे तरीके से पूरा अंदर तक चला गया है। और इसी तरह से हम सारे पीसेस फ्राई कर लेंगे डीप फ्राई। आज हम इसकी हल्की रखेंगे, तकरीबन एक साइड हमें 7 से 10 मिनट लगेगा, फिर हम इसको पलट देंगे। और यहाँ पे जो है वो फ्राइज भी रेडी हो रहे हैं इसके साथ सर्विंग के लिए। ये देखिए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको पलट दूंगी यहाँ पे। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया, बहुत मजे की इसमें खुशबू आ रही है इसकी। मैं दूसरे को भी इसी तरह से पलट दूंगी, बहुत आराम से इसको पलट दिएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। बस अब 7 से 10 मिनट नीचे इसको फ्राई करूंगी नीचे से, ताकि इसका कलर आ जाए, और फिर बाकी इसी तरह से सारे पीसेस को फ्राई कर लूंगी। ये देखिए यहाँ पे 7 से 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको पलटा के देख लेते हैं। ये देखिए कलर आ चुका है अच्छा सा। अब मैं इसको निकाल लूंगी पहले टिश्यू में, ताकि इसका ऑयल अच्छी तरीके से जब्स हो जाए उसमें, फिर मैं सर्विंग प्लेट में इसको निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। और अब मैं इसी तरह से बाकी को भी फ्राई कर लेती हूँ जल्दी से। ये देखिए मजेदार सी फ्राई फिश रेडी है चटपटी सी, और बहुत ही मजे की सी खुशबू आ रही है, यकीन जाने बहुत ही मजे का इसका टेस्ट लग रहा है। ये बस अब इसमें एंड में हम चाट मसाला हल्का सा इसमें छिड़केंगे। ये बस अब ये मजेदार सा खाने के लिए रेडी है। आप भी ट्राई कीजिएगा, जरूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।